कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों से पक्की खबर है कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस का फोकस महिलाओं और युवाओं पर होगा। राहुल गांधी कांग्रेस के जिस मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए पिछले कई दिनों से शहर शहर गली गली घूम रहे हैं, उसमें देश की जनता के लिए कौन कौन से चुनावी वादे होंगे और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, आज ये साफ हो जाएगा। सूत्रों से खबर है कि घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार से निपटने को लेकर रणनीति, कमजोर वर्गों और महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना और रोजगार पैदा करना, कृषि को लाभदायक बनाना, कालाधन वापस लाना और कालाबाजारी पर रोक, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को वित्तीय सुरक्षा, शहरी विकास, परिवहन और ई गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर जोर हो सकता है। खबर है कि मैनिफेस्टो के ड्राफ्ट को एक एंटनी की अध्यक्षता वाली समिति की 16 मार्च को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया। एंटनी के अलावा घोषणा पत्र समिति में पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह समेत कुछ और बड़े नेता शामिल थे।